हेलो फ्रेंड्स। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आज के बीबीएस हम कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको स्लैब का या कॉलम का या फिर बीम का बीबीएस नहीं बताने वाला हूँ। इसमें मैं एक बताने वाला हूँ कि एक जो शेप है और इसमें स्टील प्रोवाइड किया गया है, तो वो उस स्टील का हमें बीबीएस निकालना है। तो इसके अंदर जो गिवन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ये एक रेक्टेंगल शेप है जिसकी लेंथ दी गई है यहाँ पे 3 मीटर की और वर्टिकल में दिया गया है 2 मीटर। ओके, ये एक शेप है। इस शेप के अंदर हमें स्टील प्रोवाइड करनी है। तो मींस मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हर एक लेंथ एक दूसरे से अलग आएगी। आप वर्टिकल बार भी काटेंगे तो आपको अलग अलग लेंथ पे काटनी पड़ेगी, और आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी काटेंगे तो अलग अलग लाइन पे अलग अलग लेंथ आएगी। इसलिए मैं ये लिया हूं। अगर मैं इसमें रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर लेता, एक लाइन की लेंथ हमने निकाल ली तो सारी लाइन सेम लेंथ की रहेगी, तो वो बहुत इजी पड़ जाएगा। इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे लिया है कि रेक्टेंगल शेप लिया ताकि हर एक लाइन एक दूसरे से अलग लेंथ रहेगी उसकी। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो ये हो गया। इसमें जो स्टील दिया गया है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर स्टील हमें यूज करना है 16 mm का स्टील यूज करना है, और जिसकी स्पेसिंग दी गई है 0.5 मीटर बोथ साइड। ओके, यानी कि हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी 0.5 मीटर हमें स्टील प्रोवाइड करनी है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, मतलब कि यहाँ पे मैंने 0.5 मीटर लिया है। जरूरी नहीं कि 0.5 मीटर ही रहेगा, 0.25 मीटर भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैंने 0.5 मीटर लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे स्टील प्रोवाइड कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे 3 मीटर है, अगर 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे अगर मैं स्टील प्रोवाइड किया तो यहाँ पे 5 स्टील प्रोवाइड होगी। तो मैं 5 लाइन ले लेता हूँ स्टील का। ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। ओके, यानी कि हर एक का डिस्टेंस हो गया 0.5 मीटर का, 0.5 मीटर का हर एक डिस्टेंस। अब यहां पे मैं बनाऊंगा हॉरिजॉन्टल लाइन, वो भी 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे रहेगा, तो वो यहां पे सिर्फ 3 लाइन बनेगी। पहली लाइन ये, दूसरी और ये तीसरी, और इन लोग का भी डिस्टेंस जो है वो 0.5 मीटर का है जैसा कि इसमें बताया गया है। तो जितना भी डिस्टेंस है सब 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये ऐसा हमें स्टील प्रोवाइड करना है, जितना भी जो रेड कलर का है वो स्टील है, और इसकी हमें लेंथ निकालनी है, उसके बाद वेट निकालना है, तो हमारा वो बीबीएस बन जाएगा। तो क्या है ना कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ये 90 एंगल पे हो गया, इसका एंगल हमें निकालना पड़ेगा, इसका एंगल निकालना पड़ेगा, उस एंगल को लेके टेन थीटा करके हमें हर एक लाइन की लेंथ निकालनी पड़ेगी। बहुत ही लंबा प्रोसेस है। मैं एक शॉर्टकट प्रोसेस दिखा रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका, और बहुत ही एक्यूरेसी से आपको आंसर भी आएगा और बहुत जल्दी आ जाएगा, तो उसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो क्या करते हैं ना कि सेम साइज की हम ड्राइंग AutoCAD में बना लेते हैं, और AutoCAD में ऑफसेट लेके ये लाइन लगा देते हैं। इस लाइन की हम लेंथ मेजर कर लेते हैं, सबसे इजी रहेगा। तो चलिए चलते हैं फिर AutoCAD की तरफ। यहां मैं आपको दिखाता हूं कि हम किस तरीके से यहाँ पे लेंथ को मेजर करेंगे। तो गाइज आप देख रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पे सेम ड्राइंग बना के रखा है सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ में, ताकि ज्यादा वक्त ना लगे। बनाने का टाइम मैंने लिया नहीं है, पहले से मैं यहाँ पे बना के रखा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन 3 मीटर की है और वर्टिकल लाइन 2 मीटर की है, और यहाँ पे जो मैंने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, स्टील प्रोवाइड किया है, वो 0.55 मीटर पे प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस निकाल लेंगे हर एक वर्टिकल बार का और हॉरिजॉन्टल बार का। तो क्या है ना कि अगर मैं इसी डायग्राम में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों की लेंथ अगर पुट करता हूँ तो काफ़ी जंबल हो जाएगा, समझने में मुश्किल होगी। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी करके अलग अलग कर देता हूँ, जिसमें वर्टिकल की लेंथ अलग रहेगी और हॉरिजॉन्टल की लेंथ अलग रहेगी। तो क्या करता हूँ मैं कि कॉपी के ऑप्शन से इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया पूरे डायग्राम को, और फिर यहाँ पे कमांड में पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो मैं ये जो बेस पॉइंट है मैं इसको स्पेसिफाई करता हूँ, और इसको पकड़ के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये हमारा जो डायग्राम है वो कॉपी हो चुका है। तो इससे हम इजीली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की लेंथ हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जाएंगे वहाँ पे मेजरमेंट्स में,
लीनियर मेजरमेंट्स में, और यहाँ से हम इस लाइन की लेंथ निकालेंगे। तो जैसे इसकी इसकी लेंथ निकल गई तो ये आया 1.67 मीटर, और फिर इस लाइन की लेंथ निकालेंगे तो ये हमें मिल गया 1.33 मीटर, और इसकी लेंथ हमें मिल गई 1 मीटर। और इसकी लेंथ मिल गई 0.67 मीटर, और इसकी लेंथ मिल गई 0.33 मीटर। तो ये सारा वर्टिकल बार का हमने ना लेंथ निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल बार की लेंथ। तो इस पॉइंट को यहाँ पे पकड़ेंगे, यहाँ पे लाके छोड़ेंगे, तो यहाँ पे इसकी लेंथ निकल गई 2.25 मीटर, और इस लेंथ की और इस लाइन की लेंथ निकल गई 1.5 मीटर, और इस लाइन की लेंथ है 0.75 मीटर। तो हमने अच्छी तरीके से एक्यूरेसी से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ निकाल लिए हैं। अब चलते हैं नोटबुक की तरफ और वहाँ पे हम इस सारा लेंथ को कैलकुलेट करके BBS निकालते हैं। ओके, अब तो गाइस आपने देखे AutoCAD में हमने किस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को अलग अलग मेजर कर लिए। अब वो सारी मेजरमेंट्स को हम इसके अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले निकालता हूँ मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ। हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ निकालता हूँ, तो जिसमें से सबसे पहला दिया गया था वो था 2.25 मीटर आया था, फिर जो दूसरी लाइन थी ये वाली वो आया था 1.5 मीटर, और जो तीसरी लाइन थी ये वाली वो आया था 0.75 मीटर। तो जब सबको प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 4.5 मीटर। अभी हमें इसकी लेंथ मिल गई। अब हम निकालेंगे वर्टिकल लेंथ। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वर्टिकल लाइन के लिए हम लेंथ निकालेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला आया था ये, इसकी लेंथ आई थी 1.67 प्लस इस लाइन की लेंथ आई थी 1.33 प्लस इस लाइन की आई थी 1 मीटर प्लस इस लाइन की आई थी 0.67 प्लस इस लाइन की लेंथ आई थी 0.33। तो जब हम इसको सारे को प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 5 मीटर। तो टोटल लेंथ हमें मिल जाएगा 5 प्लस 4.5। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 9.5 मीटर। ये हमें टोटल लेंथ मिल गया। अब क्या करेंगे, हम वेट पर मीटर निकालेंगे 16 mm बार का। तो वेट पर मीटर होता है 16 mm बार का, जो इसका जो फॉर्मूला है वो है d² / 162। तो यहाँ पे डी स्क्वायर के जगह पे हम लिखेंगे 16² / 162, है ना 162। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर हमें मिलता है 1.58 kg/m। तो अब हम निकाल सकते हैं टोटल वेट कितना हुआ। टोटल वेट तो क्या है, जितनी लेंथ है उस लेंथ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके वेट से। तो लेंथ आई थी 9.5 मीटर इंटू 1.58। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 15.01 kg। ओके, 15 kg हमें लगेगा। तो गाइस एकदम सिंपल था कि हमने इस शेप का रिइंफोर्समेंट बार की कटिंग लेंथ भी निकाल ली है कि हमें कितना कितना कटिंग करना पड़ेगा, और सारा लेंथ हमें कितना लगने वाला है वो भी हमें मालूम पड़ गया 9.5 मीटर, और कितनी केजी लगेगी 16 mm बार के लिए वो भी हमने निकाल लिया 15 kg। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी दबा दे, ताकि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।